YouTube channel Biological. Hope you all are doing well. I hope you all are doing fine. सभी लोग बढ़िया हैं, सभी लोग अपना ध्यान रख रहे हैं, सभी लोग खुश हैं और सभी लोग तैयारी कर रहे हैं अपने अपने एग्ज़ाम्स की, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आने वाले जितने भी एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हो जितने भी एग्ज़ाम्स के लिए, वो सभी एग्ज़ाम्स अब सितंबर या अक्टूबर में होने वाले हैं। जैसे कि अगर हम लोग अपने एग्ज़ाम्स पे फोकस करें, CSIR, ICMR की ऑलरेडी डेट आउट हो चुकी है। आप सभी लोगों ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, 19th ऑफ सितंबर विल बी योर ICMR एग्जामिनेशन डेट। एंड DBT की साइट पे ये फ्लैश हो रहा है बहुत ही तेज़ी से कि किसी भी दिन ये उनका जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है, है ना। तो हमारे लिए DBT ऑलमोस्ट तैयार रखा है, हमारे लिए ICMR ऑलमोस्ट तैयार रखा है, CSIR तैयार रखा है, हमारे पास BARC भी अपकमिंग है, है ना। ढेर सारी चीज़ें हम लोग के लिए तैयार रखी हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब वो समय आ चुका है जब आपको प्रिपरेशन अपनी बूस्ट करनी है। सो हेयर आई एम अर्पित चतुर्वेदी, योर एडुकेटर। यू कैन फाइंड मी ऑन यूट्यूब, यू कैन मेल मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी वाया टेलीग्राम। मैं टेलीग्राम ग्रुप का भी यहाँ पे आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। और हम लोग बात कर रहे हैं पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। जितने भी लोग तैयारी करते हो, आप लोग जितने भी लोग चाहते हो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, वो सभी लोग जानते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इन सभी एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो हम लोग एक एक करके अलग अलग वीडियोज़ में सभी अलग अलग तरीके की ट्रेड्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से आज की वीडियो फोकस कर रही है किस पे, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेड्स पे, है ना। ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेड, ऑटोसोमल क्या है, रेसेसिव क्या है, ये हम लोग कल की क्लास में देख चुके हैं, है ना, कल की क्लास में देख चुके हैं। सो बिफोर मूविंग अहेड, जस्ट सो फॉर्मल इंट्रोडक्शन, लाइक हु आई एम, हाउ आई लुक, वेयर आई टीच, वेयर यू कैन गेट मी, व्हाट इज़ माय क्वालिफिकेशन, एंड लाइक दीज आर सम पीपल्स हु ट्रस्ट मी अलॉट। ओके, सो यू कैन फाइंड मी एट एन अकेडमी, आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, दैट इज ऑल मच। ओके, सो हेयर वी आर ऑन द पेडिग्री। यू ऑल नो, कल की जिसने जो प्रीवियस वीडियो है जो मैंने इससे पहले पार्ट वन डाल के उसको अपलोड किया था, सभी लोग जानते हैं कि पेडिग्री क्या है, पेडिग्री एनालिसिस क्या है, है ना। जिसने भी नहीं देखी है ज़रूर से वो वीडियो देखो पहले, है ना। पेडिग्री क्या है, पेडिग्री एनालिसिस क्या है, पेडिग्री को एनालाइज करना है हमें, तो ज़ाहिर सी बात है कि कोई भी साइंटिस्ट होगा तो वो हर चीज़ पूरी तो नहीं लिखेगा, है ना। अगर आपको कोई चार्ट बनाना है, कोई डायग्राम बनाना है, कोई ग्राफ बनाना है, तो आप वहाँ पे सिर्फ ऐसे पिन करोगे। अगर आपको ग्राफ बनाना है इस तरीके का और यहाँ पे आप लिखने लगे ए 10, 20, 30, तो फिर हो चुका, फिर तो बना चुके आप ग्राफ, है ना। तो आपको कोई पॉइंट रखना है, अलग अलग कलर का हो सकता है, अलग शेप का हो सकता है, और फिर उसको आप नीचे लिख सकते हो कि ये शेप ये दिखा रहा है, ये शेप ये दिखा रहा है, ये पॉइंट ये दिखा रहा है, हर जैसे जैसा आप खुद से चाहो वैसा। तो पेडिग्री क्या है, पेडिग्री को एनालाइज करने के लिए, जो हमारा पेडिग्री चार्ट है उसको एनालाइज करने के लिए, उस ग्राफ को पढ़ने के लिए क्या किया गया, कुछ अलग से सिंबल्स रखे गए, और इन सिंबल्स को यूज़ किया जाता है किसके लिए, पहचानने के लिए, पढ़ने के लिए और बनाने के लिए पेडिग्री चार्ट को, ग्राफ को। ओके, तो बहुत सिंपल से सिंपल है। अगर ये स्क्वायर देखे हमको इस तरीके का अनशेडेड, यानी कि ऐसा, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी शेड नहीं है, ये अंदर से कैसा है, वाइट, तो हम इसको बोलेंगे मेल, ठीक। अगर हमको सर्कल दिख रहा है, राउंड दिख रहा है स्ट्रक्चर, तो फीमेल। अगर हमको ये दोनों ही स्ट्रक्चर शेडेड मिल रहे हैं, ठीक है, जैसा कि हमें पता है यहाँ पे अगर दोनों स्ट्रक्चर शेडेड मिल रहे हैं, तब हम इनको बोलेंगे अफेक्टेड इंडिविजुअल। अकॉर्डिंगली अगर स्क्वायर है शेडेड तो अफेक्टेड मेल, और अगर क्या है हमारे पास सर्कल है शेडेड तो अफेक्टेड फीमेल। ओके,
तो अगर इन दोनों के बीच में ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जाता है सिंगल बॉन्ड का, तो इनको बोला जाता है मेटिंग। ठीक है, तो इसको बोला जाता है मेटिंग। अब जाहिर सी बात है मेटिंग है तो यहाँ से ऑफस्प्रिंग भी आएंगे। ठीक, ऑफस्प्रिंग भी आएंगे, तो इनकी मेटिंग से ऑफस्प्रिंग इस तरीके से दिखाए जाते हैं, इस तरीके से ऑफस्प्रिंग दिखाए जाते हैं, है ना। मेल फीमेल मेटिंग हुई, डॉटर सन। ओके, ये है डॉटर, ये है सन। अगर अगर यहाँ पे इस जगह पे अगर ये सन या डॉटर कोई इफेक्टेड होता, मान लीजिए ये सन इफेक्टेड है, तो इस सन को इस तरीके से दिखाया जाता। ठीक, अगर डॉटर इफेक्टेड होती तो इसको इस तरीके से दिखाया जाता, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम शेड करेंगे उस एरिया को, उस एरिया को शेड किया जाएगा जो भी आपको अफेक्टेड दिखाना है। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पे क्या चलता है, साइड में आपको ये दिख रहा होगा 1 और 2। ये 1 और 2 जो रोमन नंबर्स हैं, ये हमको दिखाते हैं जेनरेशंस। ठीक, ये हमको दिखाते हैं जेनरेशंस, फर्स्ट सेकंड और इसके नीचे आने वाली थर्ड, ऐसे करके जेनरेशन दिखाई जाती है, है ना। फिर है आइडेंटिकल ट्विंस, फिर है आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस क्या है, उनको इस तरीके से दिखाया जाता है। आपको पता है आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, है ना। अब इस तरीके से आइडेंटिकल ट्विंस को दिखाया जाता है, है ना। और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस को इस तरीके से दिखाया जाता है, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस को इस तरीके से दिखाया जाता है। तो ये हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं, और भी कई सारे सिंबल्स हैं, हो सकता है कभी कभी आपको मिल सकें, जैसे कि ये फीमेल है ऐसे, और ये मेल है। अगर इस तरीके का सिंबल आपको मिलता है तो इसका मतलब होता है डिसीज्ड, यानी कि डेथ। ठीक, डेड, ये डिजीज हुआ था इनको और ये डेथ हो, मतलब इनकी डेथ हो चुकी है उस डिजीज से, तो उनको ये डिजीज मिलते हैं, है ना। तो इस तरीके के कुछ और सिंबल्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको इतना ही सिंबल से आपका काम चल जाएगा, है ना, इतने ही सिंबल से आपका काम चल जाएगा। तो देखो देखो, अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने जो हमारा प्राइम टॉपिक है, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट्स। तो बारी बारी से अगर हम चलें, तो हमको पता है कि ऑटोसोमल क्या है, अभी हम लोग ह्यूमंस की ही बात कर रहे हैं, है ना। तो हम बारी बारी से अगर चलें तो हमें पता चलेगा ऑटोसोमल क्या है, ऑटोसोम्स क्या हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स जो कि पार्ट नहीं लेते किस में, सेक्स में, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन में, सेक्स डिफ्रेंशिएशन में, किसी में भी ये क्रोमोसोम पार्ट नहीं लेते। ठीक है, इनका नॉर्मल फंक्शनिंग से मतलब है, इन ऑटोसोम्स पे ढेर सारे जीन्स होंगे, हजारों जीन्स होंगे, और ये कितने हैं हमारी बॉडी में, 22 pairs। ठीक है, हमारी बॉडी में 22 pairs है, हमारे पास ढेर सारे जीन्स होंगे, और हर जीन के हमारे पास 2 allele होंगे। ठीक है, हर जीन के हमारे पास 2 allele होंगे, 2 हो सकते हैं, 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली हर जीन के 2 allele मान रहे हैं, या हम ये कह रहे हैं हर जीन के हमारे पास 2 copy हैं, जो कि एक हमने मदर से इनहेरिट करी है, एक हमने मदर से इनहेरिट करी है, और एक हमने फादर से इनहेरिट करी है। तो एक हमने मदर से इनहेरिट करी है, एक हमने फादर से इनहेरिट करी है, काम दोनों का सेम है, और ये दोनों ही एलील जिस स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए, जिस स्पेसिफिक ट्रेट के लिए कोड कर रहे हैं, जिस स्पेसिफिक ट्रेट के लिए कोड कर रहे हैं, अगर हमें वो ना दिखे, या इनमें म्यूटेशन होने की वजह से, इन जीन में म्यूटेशन होने की वजह से, इन जीन बदलाव होने की वजह से हमको कोई नई बीमारी, नई डिजीज़, नया फिनोटाइप देखने को मिले, तो उन ट्रेट्स को, उस नए फिनोटाइप को, उस बदलाव को हम बोलेंगे ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। रेसेसिव क्यों, क्योंकि ये ट्रेट, ये फिनोटाइप, ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ तभी बनेगा, सिर्फ और सिर्फ तभी हमको देखने को मिलेगा जब एलील वन और एलील टू दोनों ही म्यूटेट हो जाएं। ठीक है, बोथ ऑफ देम गेट्स म्यूटेटेड। जब तक ये दोनों म्यूटेट नहीं होंगे, तब तक हमको क्या मिलेगा, तब तक हमको देखने को नहीं मिलेगी ये डिजीज़। जब ये दोनों म्यूटेट हो जाएंगे, तब हमको ये डिजीज़ देखने को मिलेगी, तब हमको ये ट्रेट डेवलप होती दिखेगी। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है, तब हम बोल रहे हैं कि किस तरीके की बीमारी है, ये है ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। और मैं आपको बता दूं, जो हम लोग इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जो हम लोग इसकी डिजीज़ पढ़ेंगे, तो आप देखोगे कितनी सारी डिजीज़ है हमारे पास, कितनी सारी डिजीज़ है ना। तो बहुत सारी डिजीज हमको इस टाइप की मिलती हैं। बेसिकली पहले तो मैं ये समझना ज़रूरी कि आखिर ये हैं क्या, है ना, क्या है ये, कैसे आ रहा है, कैसे बन रहा है। ठीक है, तो ये तो हमको पता चल गया कि ये डिजीज़ किस कब शो करेगी,
ठीक है, कब शो करेगी, आप इसे कैसे पढ़ोगे, और अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें तो एग्जाम देखना है ना, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिनेरियो आपको दिया जाता है कि ये मदर है ना और ये फादर है, तो इन दोनों में कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं है, इस तरीके से आपको सिनेरियो दिया जाता है और आपको बताना है कि कितने ऑफस्प्रिंग और कितने प्रोबेबिलिटी या क्या परसेंटेज होगा कि वो ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड हो, ठीक है, कितने ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड हो तो आप क्या बताओगे। तो देखो इस तरीके से इसको आप कर सकते हो। यहाँ पे जो हमारे पास सिनेरियो है उसमें बात करी जा रही है कौन सा एक कपल है हु बोथ कैरी द जीन बट डू नॉट हैव द साइंस ऑफ डिजीज, यानी कि हमें पता है कि दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों हैं कैरियर, ठीक है, दोनों के दोनों हैं कैरियर, क्योंकि दोनों में ही हमको डिजीज डेवलप होती नहीं दिख रही है, दोनों में ही हमको डिजीज डेवलप होती नहीं दिख रही है ना, दोनों ही कैसे हैं कैरी कर रहे हैं, सिर्फ कैसा जीन कैरी कर रहे हैं, वो कैरी कर रहे हैं उस म्यूटेटेड जीन को, उस म्यूटेटेड जीन को, ठीक। द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ ईच प्रेगनेंसी इज, अब देखो इसको इस तरीके से समझो, ठीक है, देखो ये है हमारे पास है ना, तो अभी इसको हम कैसे समझ सकते हैं, अभी इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि ये है फादर और ये है मदर है ना। अब फादर के पास है 22+XY और मदर के पास है 22+XX, लेकिन हमें इस एक्स एक्स से कुछ लेना देना नहीं, हमें इस एक्स वाई से कुछ लेना देना नहीं, हमें इस 22 22 से मतलब है। अब एक स्पेसिफिक जीन पे आ जाओ, एक स्पेसिफिक जीन पे आ जाओ, मान लो ए, ठीक है, ए, तो अब इन जो हम लोग मतलब जो ऑफस्प्रिंग के लिए, अब ऑफस्प्रिंग के लिए जो मदर फादर होंगे उनके भी अपने मदर फादर होंगे जिनसे उनके पास दो कॉपी आई होंगी जीन की, ठीक है, जीन्स की दो कॉपी यानी कि दो एलील्स आए होंगे, तो हमें पता है इन दोनों में से एक एक कॉपी इन दोनों के पास इन्फेक्टेड है, एक एक कॉपी इन दोनों के पास इन्फेक्टेड है। और हमने अभी पढ़ा कि जब तक दोनों कॉपी एक इंडिविजुअल में एक जीन की इन्फेक्टेड नहीं होंगी तब तक जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है वो डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर हम इनका अब क्रॉस करा के देखें कितना आसान है, इस तरीके का क्रॉस कराते हैं ना हम लोग ऐसे, ठीक है। तो अब आपको अगर यहाँ से रिजल्ट इंटरप्रेट करना हो तो किस तरीके का रिजल्ट आप इंटरप्रेट करोगे, आप कहोगे 25% 25% अफेक्टेड, 50% कैरियर, 25% नॉर्मल। तो इस तरीके का हमको रिजल्ट, इस तरीके का हमको कंक्लूजन यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगर दोनों फादर और मदर दोनों के दोनों कैरियर हैं तो हमको 25% इफेक्टेड ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, 50% कैरियर मिलेंगे और 25% नॉर्मल मिलेंगे, ठीक है, 25% नॉर्मल मिलेंगे। इस रिजल्ट को आप इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, 25% नॉर्मल, 50% कैरियर और 25% क्या है रिस्क ऑफ डिजीज, यानी कि एबनॉर्मल जीन्स के साथ पैदा होंगे, डिजीज के साथ पैदा होंगे। तो इस तरीके से आप इसका रिजल्ट यहाँ से निकाल सकते हो अगर एग्जाम में आपके पास आता है, अगर एग्जाम में आपके पास आ जाता है कि फादर इन्फेक्टेड हैं और मदर नॉर्मल हैं तो क्या मिलेगा, तो आप इसको भी सेम ऐसे ही क्रॉस करके निकाल सकते हो रिजल्ट, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पहले इस ए सी को दोनों ए से मल्टीप्लाई करना, फिर इसको मल्टीप्लाई करना दोनों से, आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है इतना याद रखना कि जब तक दोनों जीन की कॉपी, जब तक दोनों जीन की कॉपी म्यूटेटेड नहीं होंगी तब तक हमको क्या देखने को नहीं मिलेगा, तब तक हमें ट्रेट डेवलप होती नहीं दिखेगी। अब मैं आपको कुछ ऐसे रामबाण पॉइंट देने वाला हूँ जो आपको कभी भी पेडिग्री में ऑटोसोमल रिसेसिव को गलत होने नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसी के लिए पॉइंट रखे हुए हैं, ये पॉइंट्स सभी के लिए हैं है ना, मतलब अलग अलग उसके लिए मेरे पास अलग अलग पॉइंट्स हैं है ना।
तो आप उस चीज़ पे एक एक करके सारी वीडियोस देखना और अपनी पूरी पेडिग्री एकदम आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। तो देखो कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से वो ऐसे रामबाण पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पे रिमेंबर मतलब याद रखने हैं, है ना। तो सबसे पहला तो पॉइंट ये है, सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि दिस डिजीज़ या दिस टाइप ऑफ ट्रेड्स यूजुअली अपीयर्स इन बोथ सेक्सेस विद इक्वल फ्रीक्वेंसी। यानी कि ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेड्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो पर्सन है जिसको डिजीज होनी है वो मेल है या फीमेल। यानी कि सेक्स हमको यहाँ पे अलग अलग दिखेगा नहीं, कि ऐसा नहीं है कि कोई डिजीज ऐसी है जो सिर्फ मेल में हो रही है या कोई डिजीज ऐसी है जो ज्यादातर मेल में हो रही है ना। तो ऐसा हमको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, बराबर बराबर फ्रीक्वेंसी से एकदम दोनों ही सेक्सेस हमको डिजीज होते मिलेंगे, ठीक। तो ये तो हो गया हमारे पास पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है टेंड्स टू स्किप जनरेशंस, ठीक, टेंड्स टू स्किप जनरेशन। अब देखो इस पॉइंट से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, इस पॉइंट से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। अगर एक जनरेशन में हमको एक डिजीज देखने को मिल रही है, उसने दूसरी जनरेशन स्किप कर दी, यानी दूसरी जनरेशन किसी को भी नहीं है, और तीसरी जनरेशन में हमको मिल रही है, तब हम इसको बोलेंगे, तब हम इस डिजीज को पहचान सकते हैं और तुरंत बोल सकते हैं कि ये एक रेसेसिव डिजीज है, ठीक है, ये एक रेसेसिव डिजीज है। और ये पहचान सिर्फ इसी में ही नहीं, आपको एक्स लिंक्ड रेसेसिव में भी मिलेगी, है ना, आपको एक्स लिंक्ड रेसेसिव में भी मिलेगी। लेकिन कंफ्यूज मत होना कि आप कैसे एक्स लिंक्ड रेसेसिव को अलग करोगे ऑटोसोमल से, क्योंकि जो हम लोग एक्स लिंक पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा कि वो एक्स लिंक्ड कैसे आप इसको अलग करने वाले हो, है ना, कैसे इसको अलग करने वाले हो। अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स आर यूजली बॉर्न टू अनअफेक्टेड पेरेंट्स। जो भी अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स है ना, अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग का यानी कि जिनके पास दोनों के दोनों म्यूटेटेड जीन है, उनके जो पेरेंट्स होंगे वो ज़्यादातर अनअफेक्टेड पाए गए हैं, है ना, उनके जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादातर अनअफेक्टेड पाए गए हैं। यानी कि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स क्या हैं, ज़्यादातर पेरेंट नहीं बन रहे, ठीक है। व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर हेटरोजाइगस अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी अफेक्टेड। अभी हम लोग ने बात करी थी, जब बोथ पेरेंट कैरियर हैं, जब दोनों पेरेंट कैरियर हेटरोजाइगस का मतलब क्या, एक जीन म्यूटेटेड और एक जीन नॉर्मल, जब दोनों पेरेंट कैरियर हैं तो 25% पॉपुलेशन, 25% ऑफस्प्रिंग, 25% जो क्या है ऑफस्प्रिंग, वो हमको अफेक्टेड मिलेंगे, ठीक। और ये हमको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रहा है ऐसे चिल्ड्रेन में जो कि कैसे हो रहे हैं, बहुत क्लोज रिलेटिव के बीच, बहुत क्लोज रिलेशन है, एकदम फैमिली का रिलेशन है, और उस फैमिली रिलेशन में क्या हो रहा है, मेटिंग हो रही है, उस फैमिली रिलेशन में मैरिजेस हो रही हैं, और वहाँ पे मेटिंग होने से जो मतलब ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं उनमें हमको ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर एक ही खानदान में ऊपर से नीचे तक बीमारी चलती चली आ रही है और क्लोज रिलेटिव के बीच में मैरिजेस हो रही हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि जो म्यूटेटेड जीन्स हैं वो दोनों एक पास आ जाएं और ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट को बढ़ावा दें या ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट को पैदा करें। तो ये पॉइंट्स अगर आप याद रखोगे तो कभी भी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो एक हम लोग यहाँ पे डायग्राम के मतलब समझने की कोशिश करते हैं, डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे क्या पता चल रहा है। तो देखो यहाँ पे सारी चीज़ देखना, एक तो जनरेशन देखो, 1, 2, 3, तीन जनरेशन हमको मिली हुई है, ठीक है। और इन जनरेशन में 1, 2, 3, 4 लेफ्ट टू राइट हम इंडिविजुअल का नंबर लिखते हैं। कभी कभी आपके क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो सकता है कि थर्ड का 5 बताओ कि वो उसमें क्या होगा या उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो थर्ड का 5 आप कभी भी इधर से मत जोड़ना, ठीक है, इधर से मत जोड़ना, हमेशा लेफ्ट टू राइट 1, 2, 3, 4, 5 चलता है, मतलब क्वेश्चन में इसकी बात करी जा रही है ना, क्वेश्चन में इसकी बात करी जा रही है। ये समझने का तरीका है, समझने को आसान बनाने के लिए किया गया है। तो अभी देखो ये है हमारे पास ऑफस्प्रिंग, ये है जेनरेशन हमारे पास 1, 2, 3, और इस जेनरेशन में हमको कैसे देखना है कि यहाँ पे जेनरेशन हमको स्किप होती मिल रही है, जेनरेशन हमको स्किप होती मिल रही है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, और उसके बाद फिर से हमको वो डिजीज़ आगे मिल रही है, ठीक, इस जनरेशन में हमें नहीं मिल रही, उसके आगे हमें फिर से मिल रही है। अब देखो यहाँ पे मैं एक ऐसी बात बताता हूँ जो कि एकदम हैक मान लो या उसे जैसे भी समझना हो समझो, ये है आपकी पेरेंट जनरेशन, ये है फादर, ये है मदर, ठीक है। अब इनके दो ऑफस्प्रिंग हैं, इनके दो ऑफस्प्रिंग हैं, एक ये सन और एक ये डॉटर, ठीक। अब इस डॉटर से, डॉटर के साथ मेटिंग होती है किसी की, और यहाँ से क्या होता है, दो ऑफस्प्रिंग निकलते हैं, ठीक है, यहाँ से दो ऑफस्प्रिंग निकलते हैं जिसमें से हमको ये इन्फेक्टेड मिल रहा है, ठीक है, ये इन्फेक्टेड मिल रहा है ना, और
हमको ये इन्फेक्टेड मिल रहा है, ठीक। और यहाँ पे हमको कोई भी, मान लीजिए डॉटर, सॉरी मदर या फादर में से कोई भी एक इन्फेक्टेड मिल रहा है ना, और या फिर आप इसको ये कह लो ये इन्फेक्टेड मिल रहा है, ठीक है, ये हमको इन्फेक्टेड मिल रहा है, ये हमको इन्फेक्टेड नहीं मिल रहा है, ये इन्फेक्टेड नहीं मिल रहा, वो नॉर्मल है, कैरियर है, ये हमारे लिए कैरियर है और ये कैरियर है। हाँ, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पॉइंट यहाँ पे, बच्चे कंफ्यूज किस चीज़ में होते हैं, बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि ये है जेनरेशन वन, ये है जेनरेशन टू और ये है जेनरेशन थ्री। अब अगर हमें तीनों जेनरेशन में देखने को मिला डिजीज़, तो इसका मतलब कि वो डोमिनेंट है ना, हमको तीनों जनरेशन में देखने को मिला तो इसका मतलब वो डोमिनेंट है, लेकिन नहीं, वहीं पे उनसे गलती हो जाती है। डोमिनेंट वो तब होता जब हमको यहाँ पे मिलता इनमें, फिर हमको इसमें मिलता, ठीक, ये हमको डिजीज़ मिलती और फिर उसके बाद हमको इसके बाद वाली जनरेशन में देखने को मिलता, थर्ड जनरेशन में मिलता, तब हम इसको बोलते हैं कि ये डोमिनेंट है, तब हम बोलते हैं कि ये जनरेशन स्किप नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ये आप हो, सपोज़ ये आप हो, है ना, ये आप हो, मैं नाम लेने वाला हूँ रिलेशन का, आप लोग वहाँ से समझने की कोशिश करना, ये आप हो डॉटर, ठीक, ये आप हो डॉटर, ये हैं आपकी मम्मी, ठीक, ये हैं आपकी मम्मी और ये हैं आपकी नानी, ठीक, ये हैं आपकी नानी और ये हैं मामा, ये हैं मामा, ठीक है, अंकल जिनको बोलते हो। तो अगर आपकी नानी की कोई डिजीज़ है और आपके मामा के कोई डिजीज़ है लेकिन आपके मम्मी के वो डिजीज़ नहीं है, तो आपके लिए तो जनरेशन ये हुई ना, आपके लिए अगर आपकी जनरेशन देखी जाएगी तो आपकी पेरेंटल जनरेशन आपकी मम्मी है और उनकी पेरेंटल जनरेशन उनकी मम्मी यानी कि आपकी नानी है। आपके मामा से आपका रिलेशन तो है लेकिन जनरेशन से कोई मतलब नहीं है, है ना, जनरेशन से कोई मतलब नहीं है। मामा के आगे होने वाली जो जनरेशन होगी उससे उनका मतलब होगा और वहाँ से उनकी जनरेशन देखी जाएगी, लेकिन आपकी जनरेशन इस तरफ देखी जाएगी, मम्मी और नानी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि मम्मी के कोई डिजीज़ हमको नहीं मिल रही है, मम्मी कैरियर हैं, तब क्या बोला जाएगा कि जनरेशन स्किप हो रही है, और जैसे ही जनरेशन स्किप होगी तुरंत हम बोल देंगे कि ये तो रिसेसिव ट्रेट है, जैसे ही जनरेशन स्किप होगी तुरंत हम बोल देंगे कि ये रिसेसिव ट्रेट है। फिर एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल अलग अलग है पता करने का, वो हम लोग जब एक्स लिंक पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हमको इतना पता करना है जनरेशन स्किप कर रही है प्लस मेल और फीमेल, ये देखो मेल फीमेल, फीमेल मेल, ठीक है, सब में हमको बराबरी से देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि सिर्फ मेल में हो रहा है, फीमेल में नहीं हो रहा है, फीमेल में हो रहा है, मेल में नहीं हो रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हमको दोनों में ही बराबर बराबर फ्रीक्वेंसी से देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता दिखे, यानी कि जनरेशन स्किप होती दिखे, जनरेशन स्किप होती दिखे और मेल फीमेल में बराबर फ्रीक्वेंसी से, मेल फीमेल में बराबर फ्रीक्वेंसी से आपको डेवलप होती दिखे डिजीज़, तो तुरंत जान जाना कि ये तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। और आगे जो हम लोग पॉइंट्स पढ़ेंगे तब हम लोग आगे और समझते जाएंगे कि कैसे डिजीज़ को हम ऑटोसोमल रिसेसिव से अलग करेंगे, ठीक है। तो इतना आज की क्लास के लिए काफ़ी है, हम लोग कल मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक ये पॉइंट्स याद कर लेना, लिख लेना, है ना, समझने की कोशिश करना, और कोई भी दिक्कत हो तो मैं अपनी मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो और ऑल दी वीडियोज़ ऑन दी चैनल एज मच एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।